मानसा दे विच इक सड़क दा नाम मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे नाम ते रख्या गया है। सेहत मंत्री बलवीर सिंह ने इसका ऐलान किया है ते इस दे नाल ही मंत्री बलवीर ने दावा किया है कि पंजाब सरकार विदेशों विच बैठे सिद्धू मूसेवाला दे कातलां नूं भारत लियाउण दी चाराजोई कर रही है। मैं 74वें गणतंत्र दिवस दीआं समूह पंजाबियों नूं देश विदेश विच रहिंदिआं नूं ते समुचे देशवासियों नूं लख लख वधाई दिंदा और अज बसंत दा वी बसंत ऋतु दी वी शुरुआत है ते वो एक प्रतीक है कि लंबी पतझड़ तो बाद जो बसंत आती है तो नवीं कुरमरा निकलदियां एक नवी उम्मीद की किरण लैके आते। इसी तरह जी पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है वह भी लोगों वास्ते एक नवी आशा की किरण लैके आई है तो वह रंगला पंजाब का जोड़ा सुपना उन्होंने संजोया। तो मैं लोगों को बेनती करता कि आओ आप इस मौके पर साढ़े जोड़े शहीदा ने कुरबानियां दीतियां सू आजादी दवाने लिए उन्होंने कुरबानियों याद करिए और जोड़े साडे फौजी भरा साडे बॉर्डर के उत्ते साडी राखी कर रहे अपने जाना खतरे च पा के कुरबानियां दे रहे उन्होंने कुरबानियों याद करिए और जोड़े मंतव लिए कुरबानियां दे रहे आप उस रस्ते ते चलिए ते पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने विच अपने अपने खेत्र विच असीं अपना योगदान पाइए। मैं इस उम्मीद दे नाल एक बार फिर सारे समूह पंजाबियों नूं देश विच रहिंदिआं नूं लख लख बधाई। जिले के विकास वास्ते असी बहुत सारिया जिस तरह हुण आम आदमी क्लीनिक है वह बनणगे और असी एक नवी जिहड़ी हैगी है एक होलिस्टिक हैल्थ केयर है वह साडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह चाहते हैं कि जिहड़ी सेहत है कल्ली दवाइयां नाल नहीं आती उहदे वास्ते असी उहदा कॉन्सैप्ट लैके आवांगे। एमरजेंसी सर्विसिज नूं इंप्रूव करांगे और जिहड़ा इहनां दा हस्पताल है उहनूं अपग्रेड करांगे और एक तुहाडे जिहड़ा हैगा वह अपने सिरसा रोड के उत्ते एक बजुर्गों वास्ते बहुत वधिया जिहड़ा हैगी एक फैसिलिटी जिहदे विच फिजियोथरैपी जां होर सहूलतां होणगियां। इस तरह जिहड़ा तुहाडा एक बरेटा दे विच हस्पताल बनना एक बुढलाडा दे विच जच्चा बच्चा केंद्र बन रहा सो ये सारे जिहड़े आने वाले समें दे विच है इहनां नूं आपां बहुत सुचारू ढंग नाल पूरा स्टाफ दे के दवाइयां दे के और अच्छी बिल्डिंग बना के ताकि इस जिहड़ा ये खिता सीगा ये जाणिया जांदा सीगा कैंसर ट्रेन वास्ते कैंसर वास्ते तो आने वाले समय के विच जाणिया जाएगा बहुत अच्छी सेहत सहूलतों वास्ते। जदों इत्थों दे जिहड़े बच्चे आ उन्होंने जिवें मनरेगा दे विच एक नंबर ते आए है उन्होंने मिलटरी दे विच बहुत सारिया नौकरियां लईआं उन्होंने दूजे खेत्रां दे विच बहुत अच्छा है बच्चों के विच पूरी कैपेबिलिटी हैगी आ उन्होंने असीं एक इहो जिहा वातावरण देवांगे जिहड़ा स्कूल ऑफ एमीनेंस बनणगे वो मतलब इन्हां दे विच मानसे दे विच भी तीन बनणगे जिदे बच्चों नौकरियां लैन वाले नहीं देने वाला बनाया जाएगा। इस तरह जिहड़ियां सारिया पंजाब दे विच जिन्नियां सारिया स्कीमां चल रही वो मानसे दे विच भी और इस खेत्र नूं मैं समझदा कि लोड़ बहुत है उहदे असीं मतलब आने वाले समय दे विच असीं इहनूं कैंसर की राजधानी ना करके एक सेहत की राजधानी एक पासे कब्जे कर रहे हो नजायज वापस लै रहे हो एक पासे मानसा दे विच कब्जा कराया जा रहा है की कहोगे? देखो अज आप जो पर्व है मैं वो गल करता मेरी नॉलेज नहीं जी मैं सवाल पूछोगे तुम मैं एक पत्रकार हो तुम मैं एक्शनेबल जी हैगी है वो कोई वो जानकारी दोगे क्योंकि सरदार भगवंत सिंह मान जी की जीरो टॉलरेंस है मतलब बिल्कुल कोई वो टॉलरेट नहीं करते किसी किस्म का भी कोई गलत काम हो करप्शन हो जे कोई कब्जा कराया जा रहा होगा वो जांच कराई जाएगी और उन्होंने दोषियों के खिलाफ ने अज कहा जी कि मेरे पुत्र इंसाफ नहीं दिता सिर्फ कमर च बह के बदला दी गल हो रही ने एक साल होने वाले मैं माता जी का बहुत सत्कार करता जिस तरह सारे पंजाबी की तरह मैं भी दुख है मतलब बच्चा की मैं शक्ल अज भी याद आती है बट मैं एक बेनती करनी चाहता थोड़े चरणों के कि जो 2016 के एक डी जी पी साहब की स्टेटमेंट थी कि पंजाब 57 क्रिमिनल गैंग है तो उन्होंने घट्टो घट्ट 20-25 मैंबर है तो ये जी पिछली सरकार से क्रिमिनल गैंग की जी गिनती है वह वध के मतलब 57 तो मेरे ख्याल दुगुनी हो गई सी तो ये जो क्रिमिनल गैंग्स आ असी इनहैरिट किए पहली सरकार है जी कि क्रिमिनल गैंग्स के उन्होंने सफाया कर लगी हुई है। माता जी का दर्द मैं समझदा मन माता जी का दर्द मैं समझदा लेकिन उस केस के संबंधित जोड़े वो मजोरिटी जोड़े है जिन्हें सारे इंडिया के गैंगस्टर से सारे फड़े जा चुके हैं उन्होंने सारे सख्त तो सख्त सजावं मिलनगियां जोड़े 2-4 बाहर बैठे उन्होंने भी लैके आवेंगे। हाँ ये गल ठीक है कि जिस दिन उन्होंने सख्त सज़ा मिल जाएगी जो उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है उस दिन शायद माता जी के कलेजे कितने थोड़ी ठंड पेगी क्योंकि जोड़ा उन्होंने जोड़ा बच्चा चला गया इन्ना होनहार बच्चा चला गया
ਉਹ ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ पिता जी वास्ते बहुत सत्कार है असीं उन्हां दा पीड़ा समझदे आ उहदा उस पीड़ा दा कोई हल नहीं हो पिछले 15 साल दे विच सरकार रही है अकाली दल दी 15 साल सरकार रही है कांग्रेस दी इदे रहा जी पिछले 30 साल च की होया पंजाब दे विच शराब दी फैक्ट्रियां लगियां ठीक है जी इत्थे कैंसर फैलिया चिट्टी सुंडी दा कहर होया नकली बीज और नकली शराब दी फैक्ट्रिया चलिया सैकड़े बंदे मरे आ जी तरन तरन गुरदासपुर दे विच उहनां दा राज सीगा कि इस तरह का कुछ असी टॉलरेट करते हैं जी साढ़े वेले कुछ होया हो जाए असी तुसी देखो असी किन्ने 26,000 बंदे भर्ती करते एक भी पेपर लीक नहीं आया उन्होंने बारी आई बारी पेपर लीक होंगे सी उन्होंने डॉक्टर साहब मान एक एक जिहड़े जिले दे विच छोटा होण करके कोई डॉक्टर डॉक्टर साहब आके राजी नहीं है जी देखो आपां सहूलतां दिंदे आ पर डॉक्टर में कोई नहीं है जी क्यों ना सीएम साहब नाल करके मेडिकल कॉलेज खोलिया जाए जी जिहड़े साडे लोग डॉक्टर बन जाए बिल्कुल बिल्कुल खोलेंगे जी उहदे च देखो जिहड़े जिहड़े डॉक्टर थोड़े मेडिकल कॉलेज पढ़नगे वो एडमिशन स्टेट लैवल ते होएगी इह जरूरी नहीं है इक भावना लैके आनी मैं जिहड़े इत्थे दे एमबीबीएस डॉक्टर होणगे उहनां नूं मैं पोस्ट ग्रैजुएशन वास्ते उहनां नूं मतलब उहनां नूं स्पोंसर करांगा असीं एक नवां जिहड़ा कॉन्सैप्ट लैके आ रहे हैं कि जिहड़े थोड़े बच्चे होणगे असी ये वाला मैं प्रपोजल करांगा जी मेरे मन च प्रपोजल हैगी है मेरे मुख्यमंत्री साहब उन्होंने पॉजिटिव है कि जिहड़े इलाके च डॉक्टर नहीं आना जी उत्थे जिहड़े प्लस टू असी कुछ कोटा 10% भी असी उस एरिया चो लैणे आ हर कैटेगरी सर एक लास्ट सवाल उन्होंने नाल आपां नूं तरीके लभणे पैणगे डॉक्टर नूं तुसीं जबरदस्ती नहीं कर सकते डॉक्टर एक इहो जिहा प्रोफेशन है जे उहनूं तुसीं जबरदस्ती लाओगे फिर उह नौकरी छड्ड के प्रैक्टिस करेगा वध पैसे कमाएगा सो इस करके जिहड़े इस इलाके दे होणगे उहनां नूं दर्द होएगा जिवें मैं एक पिंड च जम्मां मैनूं पिंडां दे लोकां नाल दर्द है इस करके मैं पिंड दा ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ IMA ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਸ
प्रायमरी हैल्थ सेंटर के भी जो स्पैशलिस्ट है वो विजिट कराया करेंगे उत्थे चाहे रेगूलरली पोस्टर ना उन्होंने स्पैशलिस्ट केयर भी दी जाऊगी। मैं सारे लोगों को थोड़े से अपील करना थोड़ा भी बेनती करता कि साड़ी गल लोगों तक पहुँचाओ कि कोई भी फैसिलिटी डाउनग्रेड नहीं की जाएगी, कोई भी एग्जिस्टिंग सर्विस बंद नहीं की जाएगी, नवी सर्विस ऐड की जाएगियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ABP सोचा जोश जज्बा जुनून।